आदाब नमस्कार दोस्तों, हिंदी वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी कि अमेजन पर तकरीबन 1 टन गांजा बिक चुका है, यानी कि मैरिजुआना अमेजन के माध्यम से कुछ लोग बेच रहे थे, ऑर्डर लोग ले रहे थे, उसके बाद वो उसके थ्रू सप्लाई करते थे। अमेजन के लगे डब्बे, जो अमेजन के टैग लगे डब्बे थे, उनमें भरकर गांजे की सप्लाई की जा रही थी। मध्य प्रदेश पुलिस ने इस मामले को उजागर किया, इसका खुलासा किया, उसके बाद मध्य प्रदेश में पूरी तरह से भूचाल मचा हुआ है। अमेजन पर लोग कार्रवाई चाहते हैं, लोगों का मतलब वहाँ की सरकार कार्रवाई चाहते हैं। नरोत्तम मिश्रा जो वहाँ के गृह मंत्री हैं, बार बार ये कह चुके हैं कि अमेजन के अधिकारी आकर जवाब दें, नहीं तो पुलिस अपने हिसाब से उनसे सवाल जवाब करेगी, वो आकर जांच में सहयोग करें। अमेज़न को लेकर तमाम तरह की राजनीति वहां पर हो रही है। इसके अलावा कुछ संगठन भी एक्टिव हो गए हैं जो अमेज़न के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में वहां का व्यापार मंडल जो है, उसने एक बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया। उसने कहा कि पुलवामा जो अटैक हुआ था, वहां पर जो बारूद इस्तेमाल किया गया था, वहां पर जो कुछ भी लगा, विस्फोटक जो सामान था, वो अमेज़न के तहत सप्लाई किया गया था। एक बड़ा आरोप लगाया वहां के व्यापार मंडल के कोई अध्यक्ष हैं। आप लोग उनकी जुबानी सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। पुलवामा में जो हमला हुआ था, उस पर यह पाया गया कि पुलवामा के हमले में जो रासायनिक चीजें इस्तेमाल हुई थी, वो भी अमेज़न के माध्यम से ही सप्लाई हुई थी। तो आपने ये बयान सुना, ये राजेश जैन है जो मध्य प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। अपनी देशभक्ति को एक तरह से दर्शाते हुए उन्होंने बयान दिया है कि अमेज़न के तहत ही पुलवामा विस्फोट, जो पुलवामा हुआ था, उसका जो सारा सामान था वो अमेज़न के जरिए सप्लाई किया गया था। अभी जांच एजेंसियों से भी शायद ज्यादा आगे निकल गए हैं, क्योंकि इस तरह का बयान हमने पहले कभी नहीं सुना। तो राजेश जैन से ये सवाल भी बनता है कि भाई उनके पास ये जानकारी कहां से आई। तो खैर, जांच का विषय है, जांच एजेंसी उनसे अपने तरीके से सवाल पूछ सकती हैं। लेकिन फिलहाल इन्होंने कहा कि अमेज़न पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर जहर बिक रहा है, जो मार्केट में बैन है वो इसमें लगातार बिक रहा है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अमेज़न पर जो खुलेआम बिक रही हैं, जिनका शायद जो हमारी पुलिस है, जांच एजेंसी है, उनको मालूम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इलीगल चीज़ें भी और एक्टिविटी भी आजकल अमेज़न के तहत, या इस तरह के जो प्लेटफार्म है जहां पर आप सामान खरीदते हैं बेचते हैं, तो वहां पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती रही हैं। हमें पिछले दिनों भी एक मामला सामने आया था जिसमें मध्य प्रदेश में एक युवक ने जो जहर था वो अमेज़न से खरीद कर खाया था। उसके तहत वहां जनता नाराज है और ये जांच कराना चाहती है और अमेज़न पर कार्रवाई कराना चाहते हैं। इसके अलावा अमेज़न पर FIR भी वहां पर दर्ज हो चुकी है। तो अमेज़न को लेकर तमाम तरह की राजनीति और इस पर कार्रवाई वहां पर लोग कराना चाहते हैं। लेकिन राजेश जैन का ऐलान कि पुलवामा का जो सामान था, जो विस्फोट हुआ, वो अमेज़न के जरिए डिलीवरी हुआ था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।